अरे सर भाई, तुम वैसे पानी में बोट क्यों चला रहे हो? बोर हो रहे हो क्या? यार सेम भाई, मैं भी बोर हो रहा हूँ। जब से हीरोइन एसएमपी अपनी एंड हुई है, उसके बाद से कुछ करने को है ही नहीं। अब सच बताऊँ तो इस टाइम मेरा बिल्ड करने का कुछ भी मन नहीं है। मेरा मन है कुछ अलग सा करने का, कुछ तबाही करने का, कुछ मस्ती करने का। तुम्हारा भी ऐसे ही मन है क्या? हाँ, तुम्हारा तो ऐसे ही मन रहता होगा। खैर हीरो ब्राय, अरे हाँ ठीक है भाई। खैर देखो हीरो ब्राय, मैं सोच रहा था कि हम दोनों बोर हो रहे हैं तो क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं। एक काम करें, सबके घर में चल के चोरी करें। हाँ? नहीं तो क्यों, तुम्हें और भी कुछ और कुछ करना है? तो और हम क्या कर सकते हैं यार? देखो अपनी हीरोइन एसएमपी में मजे तो आते थे एक दूसरे के हर्ट मार के लेने में। अब ऐसा कुछ तो कर नहीं सकते हम। अच्छा एक तुम एक काम कर सकते हो कि क्या तुम हमें किसी भी एक रैंडम एसएमपी में लेके जा सकते हो? हाँ? लेके जा सकते हो? ठीक है तो फिर एक काम करते हैं ना कि तुम हमें किसी भी एक रैंडम एसएमपी में लेके चलो, और तुम अपनी पावर्स का यूज तो किसी भी रैंडम एसएमपी में कर सकते हो। तो फिर हम उस एसएमपी में जाएंगे और वहां पे जितने भी बंदे होंगे उनको ट्रोल करेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनका सामान चुराएंगे, और जब लास्ट में वो बिल्कुल परेशान होकर हार मान लेंगे तो उनका सामान उनको वापस लौटाएंगे और उनसे सॉरी बोल के वापस आ जाएंगे। लेकिन इसमें मजा बहुत आने वाला है, हम उनको दबा के परेशान करेंगे। ठीक है, कैसा आइडिया मेरा, कैसा लगा? बस सर, तो ठीक है चलो फिर लेके चलो किसी भी एक रैंडम एसएमपी में। ओ, ये कहाँ गए हम? हीरो ब्राइन फाइनली तुम किसी एसएमपी में लेके आ गए क्या? ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एसएमपी में बंदे कितने हैं। ओके तो इस एसएमपी में मेरे अलावा तीन ही बंदे हैं बस। तो पहला है कोल, गोकू, नोट, सैंक्स, और चौथा मैं। अरे हीरो ब्राइन बहुत छोटी एसएमपी है, सिर्फ हमारे अलावा तीन बंदे हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, शुरुआत छोटी एसएमपी से करते हैं। तो चलो फिर प्लान क्या है, इन तीनों को परेशान करना चल के? ठीक है तो पता नहीं ये इतने बड़े इतना बड़ा वर्ल्ड है, ये पता नहीं कहाँ पे होंगे। तो तुम्हें पता है ये कहाँ पे है? चलो तो फिर लेके चलो फटाफट, लेट्स गो। अरे तुम भी पैदल चल रहे हो तुम? ओह अरे नहीं, मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे भाई? रुको रुको यार, मैं थोड़ी तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ। चलो लेट्स गो। कहाँ पे है भाई ये बंदे? चलो चलो चलो। ओह एक सेकेंड, हीरो ब्राइन दिख जाओगे तुम उन्हें, नीचे हो जाओ। अभी हमारे पास कुछ प्लान भी नहीं है कि उनको कैसे क्या परेशान करना है। भाई सामने की तरफ घर दिख रहा है। चलो हीरो ब्राइन इधर से आओ, साइड से, बिल्कुल सी साइड से जाएंगे अब। ठीक है हीरो ब्राइन, तुम्हारे मेरे को वाटर बकेट दो। हीरो ब्राइन भाई ये बंदा मरवाएगा, वाटर बकेट दो मेरे को जल्दी एक। मैं सोच रहा हूँ कि हम पेड़ के ऊपर चढ़ के और फिर देखेंगे। इधर आओ, वहां से हमको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि सर्वर के रेंडर चंक्स कम है। आगे आ जाओ, अभी तक भी कोई नहीं दिखा। ठीक है हीरो ब्राइन, इस पेड़ के ऊपर पानी डालो, मेरे को इस पेड़ के ऊपर चढ़ना है, जल्दी जल्दी। ठीक है वो बंदे सामने खड़े हैं, नीचे हो ना, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। क्या कर क्या रहे हैं ये बंदे? अरे अरे अरे, एंडर पर्ल से खेल रहे हैं। देखते रहो ये बंदे कर क्या रहे हैं, अभी थोड़ी देर तक हम नोटिस करेंगे फिर देखते क्या करना है। अरे ये तो लड़ रहे हैं आपस में भाई साहब, ये लड़ क्यों रहे हैं, ये लड़ क्यों रहे हैं? किसी एक बंदे को मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई लड़ाई होगी क्या इनके सर्वर में? भाई साहब ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत देर से लड़ रहे हैं। एक सेकंड, ये मार किसको रहे, कौन क्या, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मत मारो, ओ ओ एक सेकंड चैट में आया, मत मारो। अच्छा ये कोल नाम के बंदों को मार रहे हैं। नोट सैंक्स ने लिखा आर्मर दे दो, अपना सारा आर्मर दे दो हमें। भाई ये इसका आर्मर मांग रहे। अच्छा अब समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा कि ये दोनों मिलके उस तीसरे बंदे का आर्मर छीन रहे हैं और उसको परेशान कर रहे हैं। देख इनके बीच लड़ाई होगी, पता नहीं क्या ये तीनों दोस्त है कैसे, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी तक तो। सब कुछ भाई सब कुछ मांग रहे हैं उससे। भाई उसने अपना आर्मर भी दे दिया डर के मारे, बेचारा वो करता भी क्या, मर जाता तो वैसे इनको आर्मर मिल जाता, तो उसने आर्मर बिना मरे ही दे दिया। सब दे दो वरना मार देंगे तुम्हें। भाई दे तो दिया उस बंदे के पास आर्मर वगैरह, कुछ भी नहीं बचा अभी तो, सब खत्म। अब तो वो बोल भी रहा है सब खत्म हो गया। ठीक है भाई इसको लगता है ये भगा रहे हैं यहाँ से, भाग जाओ भाई। हाँ सच में भगा रहे हैं इसको, और ये उस साइड भागा कहीं पे, रेंडर नहीं हो रहा। हीरो ब्राइन चलो हम मेरे तुमने देखा ना अभी क्या हुआ, लगता है हमें उस तीसरे बंदे की कुछ तो मदद करनी चाहिए। देखो ये लिख रहे दिखना मत अब भाई, उस बंदे का सब कुछ छीन के दो बंदों ने भगा दिया। चलो फटाफट उसको पकड़ते हैं और पूछते हैं उससे क्या हुआ है। जल्दी वाटर बकेट, वाटर बकेट, चलो लेट्स गो। अभी तक हम उन दोनों बंदों को नहीं देखे हैं, आ जाओ उस तीसरे बंदे की मदद करते हैं, जल्दी 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 आ जाओ। तुम उसके सामने मत जाना वरना वो तुम्हें एकदम से देखेगा तो डर जाएगा। ठीक है पहले मेरे को जाने देना बात करने, तुम कहीं छुप जाना और जब मैं तुमको बुलाऊं तभी आना सामने। ठीक है चलो आ जाओ। हीरो ब्राइन कुछ खाने के लिए है क्या तुम्हारे पास? ठीक है आ जाओ, रात भी हो गई। वो बंदे तो अभी घर में चले गए होंगे वो दोनों बंदे, और वो तीसरा बंदा बेचारा पता नहीं रात में कहाँ पे भटक रहा होगा, लगता है किसी ने सो के दिन कर लिया। हीरो ब्राइन आ जाओ, वो इधर ही आया होगा जंगलों की साइड कहीं पे, आ जाओ आ जाओ। हीरो ब्राइन वो यहीं कहीं होगा। एक सेकंड हीरो ब्राइन, वो सामने की तरफ खड़ा हुआ है,
एक काम करो हीरो भाई, मेरे को जल्दी बुक एंड क्विल दो, मैं उससे लिख के बात कर सकता हूँ, बिकॉज अगर मैंने चैट में लिखा तो उन दोनों को पता चल जाएगा कि सर्वर में कोई तीसरा बंदा आ गया है। तो वो दोनों इससे पहले कुछ सावधान या कुछ तीसरा एक्शन ले या फिर मेरे को सर्वर से भगाएं, हमको अपने अपना राज सीक्रेट रखना होगा थोड़ी देर तक। ठीक है, तुम यहीं पर रहना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, कहीं वो तुम्हें देख के डर के और चैट में कुछ अजीब ना लिख दे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो चैट में कुछ ना लिखे। लेट्स गो। हेलो 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 हेलो, नहीं चैट में कुछ मत लिखना। अरे डरो मत, कैसे कैसे बताऊं इसको चैट। अरे भाई लिख दिया इसने यार, अब मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा। चलो भाई, भाई लगता है चैट में कुछ और भी आया था। अभी सब कुछ तो दे दिया, अब क्या है, क्या कहाँ है भाई। होप सो ये बुक पढ़ के अब सारी बात समझ जाए। हम उनके बेस से काफी ज्यादा दूर आ चुके, तो वो बंदे शायद ही यहाँ पे आएंगे। बस हमसे थोड़ी बात कर रहे और हमको बताए कि आखिर इन यहाँ पे इस सर्वर का माजरा क्या है और इन तीनों के बीच हुआ क्या, क्या हुआ। ओके, लेकिन तुम हो कौन। अच्छा, इसने लिखा है तुम कौन हो। तो गाइस मैंने यहाँ पे बुक में लिख दिया है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ऐसा समझो, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ। ठीक है, कहाँ गया ये। अरे भाई डर मत यार, मैं तेरा दोस्त हूँ। ये डर रहा है मेरे से अभी, और अभी तो इसने हीरो ब्रैंड को भी नहीं देखा, उसके बारे में इसको बताना पड़ेगा। चलो अच्छा हुआ कम से कम ये मेरे बुक के थ्रू तो बात कर रहा है। और भाई इससे एक चीज मेरे को समझ में आती है कि ये बंदा भाई बहुत ही ज्यादा भोला है, मतलब इसने मेरे पे भी इतनी जल्दी ट्रस्ट कर लिया। भाई पता नहीं ये बंदा इतनी देर से बुक में पता नहीं क्या लिख रहा है। ओके, लगता है इसने लिख लिया। ठीक है भाई, बहुत ही देर तक लिखा यार इसने, पता नहीं क्या लिखा होगा। ओके, इसने लिखा है मैं अभी एक न्यू जगह शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे माइनक्राफ्ट खेलते थे, तो मैंने उनसे दोस्ती करने के लिए माइनक्राफ्ट सीखा, और पिछले एक मंथ मैंने बहुत ग्राइंड करके अपना घर, बहुत सारे डायमंड कलेक्ट किए, अपना नेदराइट आर्मर बनाया, एंड देन इसके बाद मैंने अपनी सोसाइटी के कुछ बच्चों को बुलाया अपने इस सर्वर में, जिससे कि वो मेरा घर आर्मर वगैरह देखकर खुश हो जाए और मुझसे दोस्ती कर ले। लेकिन उन्होंने मुझसे दोस्ती करने की जगह मेरा घर और आर्मर और सारी चीज़ें लेकर मुझे भगा दिया और बोले कि अब वापस कभी मत आना यहाँ। मैंने एक मंथ ग्राइंड करके ये सब बनाया था और उन्होंने सब कुछ ले लिया, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो ये बात है। अच्छा, लेकिन भाई उन्होंने तो इसके साथ बहुत ही बुरा करा गाइज। इसका आर्मर वगैरह मतलब एक महीने के अंदर इस बंदे ने इतना कुछ ग्राइंड करा होगा, वो सब इससे एक झटके में उन्होंने छीन लिया दोनों ने मिलके। बेचारे ने उन पे ट्रस्ट करा होगा। मैंने तो पहले बताया था कि भाई ये बंदा दिखने में तो बहुत भोला सा लग रहा है, तो इसने उन पे ट्रस्ट करा और इसके सोसाइटी के बच्चे भाई इसको परेशान कर रहे हैं। तो गाइज अब तो हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी। हम आए थे यहाँ पे इन तीनों के मजे लेने, लेकिन अब हमारा प्लान चेंज होता है, और प्लान ये होता है कि हम इसको इसका घर और आर्मर वगैरह सब कुछ वापस दिलवाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको कुछ चीजें लिख के देता हूँ। ये बंदा न्यू माइनक्राफ्ट खेल रहा है, पता नहीं इसको हीरो ब्राइन के बारे में पता है कि नहीं। ठीक है, मैंने लिख दिया क्या तुम हीरो ब्राइन को जानते हो, देखते हैं इसका रिप्लाई क्या आता है। ठीक है, तो इसने लिख दिया, देखते हैं भाई, देखते हैं ये जानता है कि नहीं हीरो ब्राइन ये क्या है। भाई पता ही था मुझे, भाई ये बंदा एक ही महीने से माइनक्राफ्ट खेल रहा है, तो अभी इसको माइनक्राफ्ट की इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं इसको अभी सिंपली बस ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया हीरो ब्राइन मेरा दोस्त है और वो कुछ भी कर सकता है, वेट मैं उसको बुलाता हूँ और हम दोनों तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये लो, लगता है इस बंदे ने पढ़ लिया। ओके, तो इसने लिखा ओके, चलो गाइस हीरो ब्राइन को बुलाते हैं। हीरो ब्राइन यहीं कहीं था। हीरो ब्राइन, ये रहा, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, मैंने तुम्हारी बात कर ली उससे। ये रहा, डरो मत भाई, डरो मत। ये रहा, अरे नेदराइट की सोर्ड अंदर रखो। डरा क्यों रहे हो तुम उसे अभी। हीरो ब्राइन तुम्हें पता नहीं है इसके साथ क्या हुआ, हम देख रहे थे ना, वो दोनों मिलके इसको परेशान कर रहे थे, तो हमें अब इसकी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो तुम, तो तुम्हारे पास कोई प्लान है इसकी हेल्प करने का। और उनको हमें इसकी हेल्प ही नहीं करनी होगी, उनको सबक भी सिखाना होगा, जिससे कि आज के बाद वो इसके साथ या फिर किसी के साथ ऐसा ना करे। तो देखो मेरे पास एक प्लान है, अभी मेरे दिमाग में आया, तो मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया है कि मैं और हीरो ब्राइन तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक प्लान बना रहे हैं, और तुम यहीं रहना, हम उन दोनों को सबक सिखा कर आते हैं। ये लो भाई। हीरो ब्राइन एक काम करो, इसको ना एक आयरन की सोर्ड और आयरन का आर्मर दे दो फटाफट, जिससे कि ये यहाँ पे रहे तो मोब्स वगैरह इसको ना मार पाए। इतना तो इसने सीख लिया होगा कि ये ओवरवर्ल्ड के मोब्स से इजीली बच जाए। चलो गाइस, हीरो ब्राइन ने इसको सारी चीजें दे दी हैं। चलो भाई हीरो ब्राइन आ जाओ, उनको सबक सिखाते हैं चल के आप फटाफट। तो देखो हीरो ब्राइन, रास्ते में मैं तुमको प्लान समझाता हूँ। हम उनको डराते क्योंकि वो बहुत शरारती बच्चे हैं। तुम ऐसा करो, सबसे पहले हम दोनों क्या करेंगे ना, इनविजिबल पोर्शन की मदद से इनविजिबल हो जाएंगे, और फिर उनके घर में जाकर उनको परेशान करेंगे, चीजें तोड़ेंगे। कुल मिला के हमें ना उन्हें डराना है, और डराने के बाद उसके बाद तुम
क्या करना कि जब वो परेशान हो जाए तो उनके सामने आना, हवा में उड़ना, वेदर खराब करना, लाइटनिंग करना, मतलब फुल उन्हें डरा देना है तुम्हें। एंड देन इसके बाद मैं उनके सामने आऊंगा, उनको बोलूंगा कि अगर तुमने उसको उसका सब कुछ वापस नहीं करा और तुम तीनों प्यार से नहीं रहे तो ये बंदा तुम्हें माइनक्राफ्ट नहीं खेलने देगा। और जैसे कि उसने बोला कि वो माइनक्राफ्ट खेलते थे तो उनको तो पता ही होगा कि तुम कौन हो, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा प्लान? वो तुम्हें देखते ही डर जाएंगे सबसे पहली बात तो, कि हीरो ब्राइन हमारे वर्ल्ड में कैसे आया। आजा चलते हैं, सबसे पहले इनविजिबल पोशन दे दो मेरे को, अपने आप को इनविजिबल करते हैं। चलो चलते हैं सामने की तरफ, उनका घर है, लेट्स गो। अब उन्हें परेशान करते हैं और हीरो ब्राइन भी यहीं कहीं होगा आसपास, वो मेरे को दिख तो नहीं रहा है भाई। रात हो चुकी है तो अंदर होंगे, वो सोने की तैयारी कर रहे होंगे भाई। इधर चेस्ट में क्या रखा? ओह, एंशिएंट गोल्डन एप्पल और ये सारी चीजें भाई साहब, इतने सारे डायमंड गोल्ड और एंशिएंट डेब्रिस वगैरह। भाई मानना पड़ेगा उस बंदे ने एक महीने के अंदर कुछ ग्राइंड करा है भाई। उस बंदे ने माइनक्राफ्ट सीखा और सीखने के बाद इतना कुछ कलेक्ट भी कर लिया रिसोर्सेज। भाई कहाँ चले गए भाई ये बंदे? कहीं दिखे? ओके सामने, ओ ये नेदर में गए थे भाई, नेदर से आ रहे हैं। टाइम आ गया इनको सबक सिखाने का। हीरो ब्राइन साथ में रहना मेरे। ओके अभी मैं चलता नहीं हूँ, वरना मेरे पैर से डर्ट निकलेगी तो इन्हें पता चल जाएगा, मेरे को आराम से चलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब ये सोने जाएंगे और तभी इन्हें बताता हूँ मैं। चलो भाई इनको मेरे पैरों की आवाज़ ना आ जाए। ओके ये जा रहे हैं चेस्ट के पास भाई, गए ऊपर गए। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सारी सीढ़ियाँ तोड़ देता हूँ। अब ये नीचे आएंगे तो देखेंगे कुछ सीढ़ियाँ कहाँ गई। ओ ये बंदा आके सीढ़ियाँ लगा रहा है। लेडर कहाँ गई भाई साहब? चैट में लिख रहा है ये लेडर कहाँ गई। ठीक है आया, दूसरा भी नीचे आया भाई। इनको लग रहा है एक दूसरे ने टाई है, अपने आप कहीं चली गई। अरे भाई कहीं, चलो अब ये बात कर रहे हैं, हम दोनों कोने में छुप जाते हैं अभी। इनको लग रहा है कि इनमें से किसी ने टाई है भाई, आपस में लड़ रही है अब। ओके ये वापस यहाँ पे लैडर लगा रहे हैं, अभी तो बस ये शुरुआत है। देखो मैं इनको कैसे कैसे परेशान करता हूँ। हीरो ब्राइन पता नहीं यहीं कहीं होगा। चलो तो भाई मैंने वापस सारी लैडर हटा दी। ओ भाई दो देखो डैमेज हुआ। अरे गाइस ये आपस में लड़ने लगे। इनको लग रहा है कि ओके मैं साथ में ये भी देखता रहता हूँ। दो मिनट हो रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं क्यों हटाई तुमने गाइस, मैं काम करता हूँ जल्दी से बाहर जाके ना एक पोशन लेके आ जाता हूँ, वरना मैं अगर इनके सामने आ गया तो इन्हें पता चल जाएगा दोबारा किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है अब मैं एक काम करता हूँ, गेट खोल के इनको परेशान करता हूँ। ग्लास का साउंड आया था मुझे, पैड लगा दो भाई। एक को, ओ मैंने पोषण लिया तो एक को आवाज आ गई भाई। ये कहीं उस कॉल पे सकना कर ले फिर उसको परेशान करें। फिलहाल के लिए मेरे को इनका ध्यान हटाना पड़ेगा। गेट खोल देता हूँ। गेट कैसे खोले? गेट वो लिख रहा है गेट कैसे खोले। क्या हो रहा है भाई साहब? ये परेशान हो रहे हैं ये भाई, कितने बेकार बंदे हैं ये। आज ही सर्वर में आए, इनके पास सोने की अचीवमेंट तक नहीं है और पहले उस बंदे को भगा दिया जिसने एक महीने तक ग्राइंड करके ये सब बनाया। चलो अब बोलो, अब बोलो। इनका बैट तोड़ दिया। अरे भाई इसने मेरे को मारा, इसने मेरे को हिट मारा, वो दोबारा मारा, भागो भाई हिट पड़ गए। अरे ये कैसे टूटा अपने आप भाई? उसने मेरे को हिट मारे, कोई तो है, उसको पता चल गया कोई तो है। गाइस बाहर आना पड़ेगा। शिट उसने मेरे को हिट मारे भाई, वो मेरे को फॉलो कर रहा है, मेरे फुटप्रिंट, वो मेरे फुटप्रिंट फॉलो कर रहा है। अब मेरे को जल्दी से ऐसे क्राउच होकर चलना पड़ेगा भाई। बच गया, अब तो उसको पता चल गया कोई तो है, मैंने मारा किसी को। शिट हीरो ब्राइन तैयार रहना, इनको पता चल चुका है यही टाइम है तुम्हें अपनी शक्तियां दिखाने का। हीरो ब्राइन वेदर खराब करो जल्दी। चलो गाइस वेदर खराब हो गया। ये वेदर खराब कैसे हुआ? हीरो ब्राइन लाइटनिंग करो। हीरो ब्राइन यस भाई, अब देखेंगे ये, अभी नहीं पता चलेगा। अरे इसने मेरे को फिर मार दिया। शिट दूर चलता हूँ, नहीं अभी मेरे को फॉलो नहीं कर पाएगा। ये लाइटनिंग हो रही है, मैं फिर से मैंने फिर से मारा भाई। ये इतनी ज्यादा लाइटनिंग कैसे हो रही है भाई साहब? ये आपस में बात कर रहे हैं यार। अगर मैं हिट ना खाता ना उस बंदे से तो हम इनको बहुत देर तक परेशान करते भाई। इससे पहले ये डरे, हीरो ब्राइन टाइम आ गया है अपने आप को रिवील करने का। जब मैं बोलूँ तो तुम रिवील करना अपने आप को। लगता है कोई एविल है यहाँ। अब तो भाई हीरो ब्राइन को देख के इनकी चट्टियाँ गीली होने वाली हैं दोनों की। हीरो ब्राइन आ जाओ, लाइटनिंग करो भाई। भाई यस हीरो ब्राइन आ गया सामने, देख लिया इन दोनों ने, देख लिया भाई साहब हीरो ब्राइन आ गया यस। और मेरा इफेक्ट भी हटने वाला है 30 सेकंड में। ये रियल है। अरे ये हीरो ब्राइन है ना यस, हवा में उड़ रहा है तो यस असली ही है। अब मैं भाई इनको लिख के डरा देता हूँ, हाँ असली है। मेरा इफेक्ट हटने वाला है, इनको इनके बीच में आ जाता हूँ। ये कौन है टेडी? 3, 2, 1 एंड बूम ये। अरे मारना नहीं है,
भाई ये मेरे पीछे पड़ गए। अरे भाई यार रुको 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 रुको, मारो मत मारो मत मारो मत। भाई ये दोनों तो मेरे को मार रहे थे। फाइनली मारो मत मारो मत मारो मत। हीरो ब्राइन जल्दी इधर आओ, अभी अब टाइम आ गया इनसे बात करने का। हीरो ब्राइन मेरे को नेदराइट आर्मर दो जल्दी से। भाई ये लिख रहा है कि यार पर कैसे है इसके बाद, अब मैं लिख दिया मेरी बात ध्यान से सुनो वरना मारे जाओगे। जानते हो कि नहीं इस बंदे को, इसको तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये क्या क्या कर सकता है। तुम डराने आए हो, तुमने कोल के साथ ऐसा क्यों करा बताओ मेरे को? क्या तुम कोल के फ्रेंड हो? हाँ तुम कोल के नए दोस्त हैं तो बदला लेने आए हो उसका? हाँ क्योंकि तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। या तो कोल से सॉरी बोलो और आगे से ऐसा किसी के साथ मत करना। तो गाइस यहाँ पे मैं लिख दे या तो हीरो ब्राइन तुम्हें फिर खेलने नहीं देगा। तुम हीरो ब्राइन का फायदा उठा रहे हो, तुमने बहुत सही किया दूसरे का सब कुछ छीन कर। ठीक है तो इसने क्या लिखा, दम है तो पीवीपी में आ जा। ओ ये गाइस ये मेरे को पीवीपी के लिए चैलेंज कर रहा है। ठीक है हम माफी मांगेंगे लेकिन शर्त ये है जो नोट सैंक्शन बोला। ओके तो ये मेरे को पीवीपी के लिए चैलेंज कर रहा है और अगर हार गया तो जो मैं बोलूंगा वो ये करेगा। गाइस इसने मेरे को पीवीपी के लिए चैलेंज करा है और भाई मेरे को कोल के लिए पीवीपी तो जीतनी पड़ेगी। नो शील्ड, ओके शील्ड के लिए मना कर रहा है। ठीक है हरा देना उसको, चलो भाई देखते क्या होगा। स्टार्ट भाई, कहां भाग के गया ये घर के अंदर? भाई ये गोल्डन कैरेट लेके आया, व्हाट ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है भाई। गोल्डन कैरेट भाई साहब, नहीं भाई नहीं, ये मर क्यों नहीं रहा है भाई? ये बंदा गोल्डन कैरेट लेके गया। हीरो ब्राइन मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को भी दो कुछ जल्दी गोल्डन। हीरो ब्राइन आगे फेंको जाके, हीरो ब्राइन आगे फेंको, मैं उठा लूंगा। शिट तुमने उसको दे दिया। भाई एक सेकंड, तुमने चीटिंग करी, चीटिंग करी। राउंड गोल्डन कैरेट ली, अब गाइस इसको दिखाता हूँ कि असली चीज़ क्या होती है। ठीक है हीरो ब्राइन मेरा आर्मर वगैरह सब वापस। हीरो ब्राइन इधर आओ, अब इसको दिखाते हैं। नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, अब मेरे को चाहिए एनचेंटेड गोल्डन एप्पल क्योंकि उसने चीटिंग करी, अब ये हमारी बारी है। लाओ ले ले बेटा, आजा ले ले, अब दिखाता हूँ। शिट ये भी भाई गोल्डन एनचेंटेड एप्पल लेके आ रहा है उसके। कोई नहीं गाइस देखते हैं इस बार। भाई ये बंदे कितने चीटिंग कर रहे हैं, वो गोकू आके मेरे को हिट मार रहा है बीच बीच में। भाई ये बंदा इसकी ऐसी की तैसी। भाई ये बंदा मेरे को क्यों हिट मार रहा है बीच में आके? हीरो ब्राइन से संभालो भाई साहब। भाई किसी भी हद तक ये बंदे मेरे से जीतना चाहते हैं पर ऐसा मेरे को मैं नहीं होने दूंगा। मैंने एक चीज देखी थी कि ऊपर वाली चेस्ट में सिर्फ 8 एंचेंटेड गोल्डन एप्पल रखे थे और मेरे पास तो बहुत सारे हैं तो मैं इसको हरा तो दूंगा इजीली। भाई ये लड़ाई पता नहीं कब तक चलेगी। भाई मर जा यार, भाई क्या खा का है ये बंदा? भाई ये बंदा कहाँ भाग रहा है? भाई लगता है इसके हर्ट कम हुए इसलिए भाग रहा है। फाइनली इसकी ऐसी की तैसी। भाई पानी के अंदर है ये। ओ यस मार दिया मैंने इसे, मार दिया भाई इसको मैंने। फाइनली इसने भाई लास्ट में अपने आपको इनविजिबल पोशन दे दिया था लेकिन मैंने इसको मार दिया भाई साहब। फाइनली तू कैसे बीच में मार रहा था बार बार है? खैर गाइस इसके बाद नोट सैंक्स मेरे को बोलता है कि तुमने चीटिंग करी एंचेंटेड गोल्डन एप्पल लेके। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तूने भी तो 8 एंचेंटेड गोल्डन एप्पल लिए थे और एक तरीके से देखा जाए तो मेरे पास पहले 64 एंचेंटेड गोल्डन एप्पल थे, पीवीपी खत्म होने के बाद मेरे पास 57 बचे, मतलब कि तूने 8 यूज करे और मैंने करे 7। खैर इसके बाद जब वो मान जाता है तो मैं कोल को बुलाता हूँ एंड देन इसके बाद हम इनकी आपस में दोस्ती करवाते हैं और इसके बाद ये हीरो ब्राइन के साथ सेल्फी वगैरह रहते हैं क्योंकि आपको भी पता भाई हीरो ब्राइन के फैन फॉलोइंग तो नेक्स्ट लेवल पे है। अब जब इनकी सेल्फी वगैरह हो जाती है और ये हमसे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद ये तीनों मिलके रहेंगे और आपस में लड़ाई नहीं करेंगे तो हम यहाँ से निकलते हैं, इनको बाय बोलते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि अगर आज के बाद इन्होंने ऐसा किया तो हम वापिस से आएंगे और इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ गाइज हमारी SMP हंट के एपिसोड 1 का एंड होता है।